हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं वनीला आइसक्रीम। एक लीटर दूध है जिसको हमने पकने रख दिया है। थोड़ा सा तीन हिस्से रह जाए तो फिर हम इसके अंदर चीनी शामिल करेंगे। चीनी आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से शामिल कर सकते हैं। हमने इसके अंदर 6 चम्मच चीनी डाले हैं। आपको हमारी रेसिपी अगर पसंद आती है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए हमारे चैनल को। ये देखें, हमने आइसक्रीम का कस्टर्ड लिया, या आइसक्रीम कस्टर्ड है, 3 चम्मच हमने लिया है, और 3 चम्मच मिल्क पाउडर, तीन दोनों को मिलाकर हमने पानी डालकर इसका पेस्ट बनाया है। इसमें गुठलियाँ नहीं रहनी चाहिए, लम्स नहीं रहने चाहिए। इसको अच्छी तरह फेंट कर हमने दूध में शामिल करा है। चीनी हम पहले दूध में डाल चुके हैं, इससे फ्लेवर अच्छा आता है। ये कस्टर्ड आप आइसक्रीम के लिए ही है, और आप इससे ही आइसक्रीम बनाएं तो ज़्यादा अच्छी बनेगी। देखिए, हमने कस्टर्ड शामिल कर दिया। चम्मच चलाते रहेंगे, थोड़ा थोड़ा शामिल करेंगे ताकि लम्स ना बने हमारे। इसी तरह हम पकाएंगे। पकाने के बाद जब हमारा थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो हम इसको बोल में डालकर जमने के लिए रख देंगे। जब हमारी आधी आइसक्रीम जम जाएगी तो फिर हम इसको दोबारा निकाल के फेंटेंगे। फेंटने के बाद फिर रख देंगे। फिर हम तीसरी बार निकालेंगे। तीसरी बार निकालने के बाद हम इसके अंदर क्रीम मिलाएंगे। व्हिपिंग क्रीम हमने इसमें शामिल करी थी। व्हिपिंग क्रीम में चीनी शामिल होती है, और दूध में हमने पहले चीनी डाली थी। आप चाहें तो इसमें एसेंस भी शामिल कर सकते हैं। हमने इसमें वनीला एसेंस शामिल करा था। देखें, हमारी ठंडी हो गई है तो हमने इसको रख दिया है। ये अमल हमने 3 बार किया था। 3 बार करने के बाद हमारी आइसक्रीम तैयार हो गई थी। ये व्हिपिंग क्रीम डालकर इसको फेंट दिया था। इससे क्या होता है, आपकी आइसक्रीम सॉफ्ट बनती है, बिल्कुल बाजार जैसी बनती है। आइस नहीं आती उसके अंदर, इस तरह बनती है। यह अमल हमने 3 बार किया था, और तीसरी बार में हमने इसके अंदर क्रीम मिलाई थी। आप चाहें तो फ्रेश क्रीम भी मिला सकते हैं इसके अंदर, या आपके घर के दूध जो होता है घर का, उसके ऊपर जो बलाई आ जाती है आप वो भी फेंट के डाल सकते हैं। देखिए, इसमें ज़्यादा हमारा ख़र्चा ही नहीं है। 1 किलो दूध था हमारा, चीनी थी, और वनीला कस्टर्ड था। मिल्क पाउडर ऑप्शन है, अगर आप डालना चाहें तो डालें, वरना नहीं। हमारी रेसिपी आपको पसंद आती है, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ये हमने थोड़ी सी स्ट्रॉबेरी भी बनाई है। इसमें सिर्फ स्ट्रॉबेरी शामिल करी थी, वही थी जैसी रेसिपी हमने आपको पहले बताई, बस इसमें और स्ट्रॉबेरी हमने शामिल करी है। हमारी आइसक्रीम ये भी हमने प्यालियों में डाल दी, और इसको भी जमने रख देंगे हम। ये देखें, हमारी आइसक्रीम तैयार है।